तो गाइस आपने देखा होगा ना लास्ट एपिसोड में आपको इको पार्क वगैरह दिखाया, तो अभी हम वापस थोड़ा जा रहे हैं क्योंकि हमें पेट्रोल कराना है अपनी बाइक में। हमारा जो देख रहे हो एक बार स्क्रीन देख रहे हो बाइक की, अभी फ्यूल वगैरह कराते हैं फिर हम सोच रहे हैं मसूरी रोड से जाएंगे। तो अगर बीच में हमें दलाई हिल्स के लिए टाइम लगा तो हम आपके लिए दलाई हिल्स करें, एक बार आपको दलाई हिल्स दिखाएंगे अगर टाइम लगा तो, वरना फिर सीधा हम चलेंगे रुड़की के लिए। तो गाइस फ्यूल तो नहीं मिला यार, मोड ऑफ हो गया। अभी उन्होंने बताया 7 किलोमीटर आगे अभी एक और फ्यूल पंप, तो अभी चलते पता नहीं चली भी जाएगी नहीं, तो ऊपर वाले का नाम लेके चलते हैं। अभी निकल चुके हैं धनुरोटी से बहुत आगे, 4-5 किलोमीटर बाइक राइड कर चुके हैं हम। सो यार इतनी ज़्यादा ठंड है ना, इतना ज़्यादा ठंडा हो रखा है, पूरा ग्लव्स वगैरह पूरा ठंडा हो चुके हैं मेरे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है यार। मैं सोच रहा हूँ दिसंबर के मंथ में, मतलब जहाँ जब स्नोफॉल होती होगी तब क्या हाल होता होगा यहाँ पे यार। हमने तो सोचा था उसी रोड पे व्यू मिलेंगे, लेकिन इस रोड पे भी काफ़ी अच्छे व्यू हैं। ये देखिए एक बार, ये सामने अभी भी आप धनोल्टी वगैरह हो, धनोल्टी से पहले रेस्टोरेंट है, व्यू रेस्टोरेंट है, एक बहुत ही प्यारा रेस्टोरेंट है, एक बार देखे ज़रा। और व्यू क्या व्यू आ रहे हैं, बहुत ही प्यारा, कितने सारे अलग अलग पहाड़ दिख रहे हैं बहुत सारे। ये देखिए ज़रा, कहीं धूप हो रखी है कहीं छाँव, लेकिन यार ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है यार, मुझे तो ठंड ने लगा दिया यार, क्योंकि बाइक चला रहा हूँ मैं पीछे बैठा है। सो यार मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। अभी देखिए ज़रा व्यू, अभी आगे देखते हैं और क्या क्या व्यू मिलेंगे। यह थोड़ी धूप और मिला है हमें सुकून, क्योंकि धूप मिलनी मुश्किल हो गई थी, अब थोड़ी धूप मिली है तो थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। बाकी में यार मज़ा आ रहा है, ऐसी धूप ही चाहिए, बस यही धूप होनी चाहिए, वरना यार बहुत ज़्यादा ठंडा था ऊपर, तो अभी थोड़ा नीचे भी आ गए हैं इसलिए थोड़ा सर्दी भी कम लग रही है। गाइस हम अभी रुके हैं क्योंकि इसलिए रुके हैं आपको दिखाने के लिए। देखिए एक बार यार क्या मौसम है यार, मौसम इज़ ऑसम। और इधर देखिए क्या सनलाइट पड़ रही है ना, सामने घर वर है, इतना प्यारा दिख रहा है ना, बहुत ही प्यारा यार। इधर से तो और ज़्यादा फील आ रहा है इस रोड से, तो उस रोड तो बहुत मतलब अच्छे अच्छे व्यू थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उससे बेटर ये वाला रोड है और व्यू भी यहाँ पे बहुत बेटर बेटर है। तो चलिए अभी चलते हैं यार, पेट्रोल ढूंढते हैं, पहले तो पेट्रोल ढूंढना है यार, तो सामने पूछते हैं देखते हैं अभी पेट्रोल वगैरह इनके पास होगा क्या। अंकल फ्यूल वगैरह होगा, पेट्रोल दे देना ज़रा, ये 1 लीटर अंकल कितने का है? 120 रुपये का 1 लीटर, अच्छा दे दो भाई। सो गाइस आप देखा आपने, ये है फ्यूल 1 लीटर और ये 120 का है, हमारे यहाँ पे 199 चल रहा है लेकिन ये 120 का है। अभी हम करते हैं फ्यूल, चलो मिलते हैं आपको थोड़ा सा आगे। गाइस जहाँ से हम राइड कर रहे हैं, एक्चुअली जो पीछे हमने जहाँ फ्यूल कराया था, तो इसका नाम है ओल्ड सुबह खोली, ये मतलब धनोल्टी वाला रोड। सो यहाँ पे इतने सारे एडवेंचर करने के हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा साइकिलिंग वगैरह है, और जो हमने अभी आपको व्लॉग में दिखाएंगे, जो व्लॉग में लास्ट व्लॉग में दिखेगा, जो मैंने ट्रैकिंग वगैरह की है ब्रिज के ऊपर, तो उस तरह के बहुत सारे ब्रिज वगैरह हैं, बहुत सारे एडवेंचर हैं। तो गाइस हम नेक्स्ट व्लॉग हम सोच रहे हैं यहीं का लेके आए, अभी हम अगर दलाई हिल्स गए तो आपको दलाई हिल्स का मिल जाएगा, वरना नेक्स्ट बार यहाँ का एडवेंचर का और दलाई हिल्स का दोनों का आपको व्लॉग एक साथ मिल जाएगा। सो गाइस अभी हम खड़े हैं मसूरी में, मतलब ये राइड जा रहा है दलाई हिल्स और ये देहरादून जा रहा है। सो अभी हमने प्लान चेंज कर लिया, हम सोच रहे हैं अभी नेक्स्ट वाला जो व्लॉग लेके आए, एक तो एडवेंचर का लेके आए आपके लिए और दूसरा दलाई हिल्स का। सो पहले हम दलाई हिल्स का आपको दिखाएंगे एंड उसके बाद एडवेंचर का। सो क्योंकि अभी टाइम भी 4 बज चुके हैं एंड थोड़ा बादल वादल भी हो रहा है, मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है, तो कभी बारिश वारिश हो जाए एंड टाइम से घर भी पहुँचना है 6-7 बजे तक, तो अभी 2-3 घंटे और लग ही जाएंगे रुड़की तक, तो इसलिए हम दलाई हिल्स का आपको नेक्स्ट टाइम व्लॉग दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं जल्दी से। बात मतलब मसूरी की राइड हो रही है, क्योंकि यार मसूरी आने का ज़्यादा मन नहीं करता, मन भर चुका है क्योंकि अभी 6-7 साल से, मतलब 7-8 साल हो गए हम आ ही रहे हैं मसूरी, तभी आते हैं, तो ईयर में आ जाते हैं, मंथ में कभी भी मसूरी आ जाते हैं जब मन करता है, नाइट में या डे में। अभी तो मैंने ब्लॉग वगैरह स्टार्ट किए हैं तब से तो मैं आया नहीं हूँ। सो यार अभी बहुत दिनों बाद आज राइड कर रहा हूँ, मतलब काफ़ी दिन बाद आया हूँ बाइक से, वरना कार से ज़्यादातर हम आते हैं, सो अच्छा लग रहा है। गाइज हमें तो जैकेट जुकेट पहन के भी यूँ करते हैं, बस हमें तो मतलब सैंडो में चलानी चाहिए बाइक यार। ये देखे जरा एक बार यार, ये कितनी ऑसम है यार, खुली टांगे दिख रही है बिल्कुल भाई साहब। इसको सर्दी नहीं लग रही क्या यार? पूछ अमन यार, अमन तू ही पूछ यार भाई, मारो मुझे मारो यार। यहाँ इतने जैकेट ग्लव्स वगैरह इतने चीज डाल रखी है यार, यहाँ फिर भी ऐसी तैसी हो रखी है ठंड में। यार कहाँ ठंड है यार, कहीं भी ठंड नहीं, हम तो यूँ ही बिना बात यार, हम तो यूँ ही लोग में बोलते रहते हैं पागलों की तरह। सही है यार, कहीं ठंड नहीं है। गाइस सैंडो में आए, कच्चे में आए, कैसे भी आए, हाँ हमारी तरफ से कैसे भी आए। बोलने जा रहे हैं रोड पे,
सो गाइस अमन भाई कह रहे हैं सेटिंगों को बहुत लेके जा रहे हैं मसूरी लड़के, तो क्या करें, अमन भाई की तो सेटिंग है ही नहीं। गजब बेइज्जती है। अमन भाई की सेटिंग नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो भाई क्या सीन है? ना यार भाई मैं मरूंगा यार। सो गाइस अभी हम कर चुके हैं देहरादून में एंटर और जल्दी से चलते हैं घर यार, क्योंकि थकान ही बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी चाय भी पीनी यार, ठंड लग रही है अभी भी देहरादून में आके भी। और देहरादून में ठंड नहीं है लेकिन फिर भी लग रही है क्योंकि ऊपर से है ना, तो इसीलिए अभी पियेंगे हम चाय। तो यार हम अभी अपनी आर ओ पाइप लेके चलते हैं, कुछ रिएक्शन वगैरह आएगा नहीं हमारी। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो हो रहा जुल्मो सितम। दिस इज अ देहरादून ब्यूटी, माय फेवरेट सिटी देहरादून यार। मतलब एक साल तो ऐसा था जब टिकटॉक वगैरह की वीडियो बनती थी तो वीक में दो या तीन बार तो आना होता था। अच्छा लगता है यार, बहुत ही वैसे बहुत ही प्यारा है हमारा देहरादून उत्तराखंड में। मुझे लगता है सबसे प्यारी सिटी है देहरादून, मसूरी से भी अच्छी लगती है। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं बिहारीगढ़, हमने देहरादून वगैरह क्रॉस कर लिया है सब। तो अभी एक मन कर रहा है चाय पीने का, तो अभी पहले हम चाय पियेंगे, आगे की राइड कुछ खा पी के कंप्लीट करेंगे। तो गाइस फिलहाल हम पहुंच चुके हैं रुड़की एंड अभी अमन को छोड़ते हैं अमन के घर, मतलब सिटी पब्लिक स्कूल साइड। आज आपको सिटी पब्लिक स्कूल भी दिखा दूंगा। तो चलिए जल्दी से छोड़ दें यार, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, जल्द घर जाके सोना है बस आराम से, कल एडिटिंग भी करनी है। सो भाई फाइनली हम पहुँचे सिटी पब्लिक स्कूल, ये भाई हमारा स्कूल नर्सरी से पढ़ रहे थे सुबह हमारे और ट्वेल्थ करके निकले हैं। भाई मैंने तो ट्वेल्थ कर ली थी, मतलब दो साल हो गए मेरे को तीन, और अमन भाई अभी कर ही रहे हैं ट्वेल्थ। तो यहीं से बाकी अमन का घर भी यही है इसलिए यहीं छोड़ना था मन को, और सुबह पिक भी यहीं से करता हूँ मैं भाई को, तभी हम व्लॉग बनाने जाते हैं। सो गाइस अभी चलते हैं जल्दी से अपने घर, अपना घर भी तुम्हें जल्दी ही दिखाऊंगा, यहाँ से थोड़ा दूर है। सो मैं व्लॉग का एंड यहीं कर रहा हूँ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।